हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिम एजुकेशन। दिस इज अंकिता शर्मा। और फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि बेस्ड हैं क्लास 9 ज्योग्राफी के चैप्टर 2, जिसका नाम है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इससे पहले हम जो फर्स्ट चैप्टर है उसके भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं, और जो चैप्टर 2 है जिसके क्वेश्चंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इसकी समरी भी हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप देखना चाहो वो वाला वीडियो तो आप देख सकते हैं, क्योंकि उससे बहुत सारी हेल्प मिलेगी इन क्वेश्चंस को करने में। तो अराउंड 35 क्वेश्चन जो है आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। क्वेश्चंस किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर चाहे वो टीचिंग एग्जाम है या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, तो इनको आप मिस नहीं कर सकते। तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरिएशन इन द कलर ऑफ सॉयल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। क्वेश्चन है कि हमें पता है, अगर हम अपनी कंट्री की बात करें, इंडिया की अगर हम बात करें, जो हमारा इंडियन कॉन्टिनेंट है उसमें बहुत सारी फिजिकल वेरिएशंस हैं। कहीं माउंटेन है, कहीं प्लेटू है, प्लेन्स हैं। तो इसी तरह से सॉइल वेरिएशन है, सॉइल का जो कलर है वो अलग अलग है। तो सॉइल का कलर अलग होने की वजह क्या है? ऑप्शन है डिफरेंस इन रॉक फॉर्मेशन, दूसरा है वेदरिंग, तीसरा है एरोजन एंड डेपोजिशन, एंड द लास्ट वन इज लैंड। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, रॉक फॉर्मेशन अलग अलग होने की वजह से जो वेरिएशन है कलर, सॉइल के कलर में, वो रॉक फॉर्मेशन की वजह से है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लॉसिबल थ्योरी प्रेजेंटेड बाय अर्थ साइंटिस्ट टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस एंड द वेरियस लैंडफॉर्म्स। अर्थ साइंटिस्ट ने ऐसी कौन सी प्लॉसिबल थ्योरी दी है जिससे कि कॉन्टिनेंट्स, ओशियन और जो बाकी जो लैंडफॉर्म्स है उनकी फॉर्मेशन के बारे में पता किया जा सके? ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज थ्योरी ऑफ मोशन, ऑप्शन बी इज थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, ऑप्शन सी इज थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, एंड द लास्ट वन इज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। ओके, नेक्स्ट इज ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट इज, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स द अर्थ क्रस्ट इज फॉर्म्ड ऑफ हाउ मेनी मेजर एंड माइनर प्लेट्स। अभी हमने बात की कि थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स है जिसके ऊपर, जिसके द्वारा जो है फॉर्मेशन का पता चलता है अर्थ की और डिफरेंट लैंडफॉर्म्स की। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो अर्थ का सबसे अपर पार्ट है जिसको हम क्रस्ट कहते हैं, वो कितनी बड़ी और छोटी प्लेट से बना हुआ है? ऑप्शंस हैं 3, 5, 7 एंड 10। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज सी, 7। क्वेश्चंस जो है वो इस तरह से दिए गए हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ताकि आपको जो है वो इजिली जो है कंसेप्ट वो समझ में आ जाए। तो जो थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स है उसके अकॉर्डिंग जो अर्थ का पार्ट है, अपर पार्ट जिसको क्रस्ट कहते हैं, वो 7 छोटी और बड़ी प्लेट से बना हुआ है। इसी इन्हीं प्लेट्स में जो है मूवमेंट्स की वजह से, आगे जो क्वेश्चन है उसमें हम पढ़ेंगे, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स द मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स रिजल्ट इन सम जियोलॉजिकल एक्टिविटी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सच अ जियोलॉजिकल एक्टिविटी। क्या होता है कि जो हम जो अर्थ का क्रस्ट है वो 7 प्लेट से बना हुआ है, छोटी और बड़ी। इन प्लेट्स में जब मूवमेंट होती है तो स्ट्रेसेस जो है वो क्रिएट होते हैं, जिसकी वजह से कुछ जियोलॉजिकल एक्टिविटीज होती हैं। तो हमें बताना है कि कौन सी जो जो ऑप्शंस हमारे पास दी हुई हैं, कौन सी एक्टिविटी जो है वो प्लेट्स की मूवमेंट से नहीं होती। ऑप्शंस है वॉल्केनिक एक्टिविटी, दूसरी है फोल्डिंग, तीसरी है पॉल्टिंग, एंड द लास्ट वन इज ग्लेशिएशन। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, ग्लेशिएशन जो है वो प्लेट्स की मूवमेंट्स की वजह से नहीं होती। तो कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं प्लेट्स की मूवमेंट से? वॉल्केनिक एक्टिविटीज होती है, फोल्डिंग होती है और फॉल्टिंग होती है। इसी वजह से, इन्हीं एक्टिविटीज की वजह से डिफरेंट डिफरेंट जो लैंड फॉर्म्स हैं वो बनते हैं। जैसे फोल्डिंग की वजह से फोल्ड माउंटेन्स बने हैं, जैसे कि हिमालयस, हिमालयस सबसे ज्यादा यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं, ठीक है। फॉल्टिंग की वजह से ब्लॉक माउंटेन्स बनते हैं, और वॉल्केनिक एक्टिविटी वजह से वॉल्केनिक माउंटेन्स बनते हैं। तो इन्हीं तरह से जो अलग अलग एक्टिविटीज होती हैं उन्हीं वजह से अलग अलग जो है लैंडफॉर्म्स बनते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स व्हेन सम प्लेट्स कम टुवर्ड्स ईच अदर विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड। हम प्लेट्स की ही बात कर रहे हैं। जो प्लेट्स जब आपस में मूव करती हैं, जब वो एक दूसरे की तरफ आती हैं, तो किस तरह की जो बाउंड्रीज हैं वो क्रिएट होती हैं? ऑप्शंस है कन्वर्जेंट बाउंड्री, डाइवर्जेंट बाउंड्री, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री एंड कोलाइडिंग बाउंड्री। तो सही आंसर है कन्वर्जेंट बाउंड्री। जब प्लेट्स एक दूसरे की तरफ आती हैं तो कन्वर्जेंट बाउंड्री जो है वो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री बनती है। ये सारा ही कंसेप्ट हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, अगर आप नहीं देखी तो आप देख लो, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी।
क्या होता है कि जब दो प्लेट्स आपस में एक दूसरे की तरफ आती हैं तो कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री बनती है, जब एक दूसरे से दूर जाती है तो डाइवर्जन प्लेट बाउंड्री बनती है, और ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री कब बनती है, जब प्लेट्स जो है एक दूसरे से कोलाइड करती हैं और हॉरिजेंटली जो है वो रिप्लेस हो जाती है। मान लीजिए ये एक प्लेट है, ठीक है, दूसरी प्लेट जो है वो इस तरह से हॉरिजेंटली रिप्लेस कर जाएगी, ठीक है, मतलब ये आगे और ये पीछे हो जाएगी, तो इसका मतलब वो होगी ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, अ लैंडमास बाउंडेड बाय सी ऑन थ्री साइड्स इज रेफर्ड टू एज। कोई भी लैंडमास, कोई भी जमीन है तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है तो उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन है कोस्ट, आईलैंड, पेनिनसुला एंड द लास्ट वन इज नन ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, पेनिनसुला। पेनिनसुला इसी को कहते हैं जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो, और जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो उसको आइलैंड कहते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग डिविजन्स ऑफ इंडिया हैज द ओल्डेस्ट लैंडमास। कौन सी इंडिया के फिजिकल फीचर है, कहाँ पे जो है कौन सा लैंडमास जो है जो सबसे पुराना लैंडमास है? ऑप्शन है हिमालयस, द नॉर्दर्न प्लेन्स, द पेनिनसुला प्लेट्यू एंड द इंडियन डेजर्ट। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज सी, द पेनिनसुला प्लेट्यू जो है ये पार्ट है गोंडवाना लैंड का जो कि सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट लैंडमास है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, द पेनिनसुला प्लेट्यू ऑफ इंडिया इज पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडमास। अभी हमने डिस्कस किया कि पेनिनसुला प्लेट्यू जो है सबसे पुराना लैंडमास है, तो मैंने उसमें आंसर भी बता दिया, तो हमें बताना है कि पेनिनसुला प्लेट्यू कौन से लैंडमास का हिस्सा है। ऑप्शन है यूरेशियन प्लेट, गोंडवाना लैंड, टेथिस एंड नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर ऑप्शन बी, दैट इज गोंडवाना लैंड। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स वॉज नॉट ए पार्ट ऑफ एंशियंट लैंडमास ऑफ गोंडवाना। अब अगर हम बात करें इंडिया जो है, इंडियन कॉन्टिनेंट जो है वो किस तरह से ये लैंडमास क्रिएट हुआ, तो सब पहले तो ये सारा एक ही था, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ये सारा ही जो था ये सिंगल लैंडमास था। फिर कन्वेंशनल करंट की वजह से ये सारा पीसेस में बटा और जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट से जो है वो टकरा गई, ठीक है। तो जो इंडियन यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि कौन सी कंट्री या कॉन्टिनेंट जो है वो गोंडवाना लैंड का पार्ट नहीं था, तो अभी मैंने जो डिस्कस किया उसमें मैंने आंसर भी बताया, तो आप वहां से बता सकते हैं इंडिया, साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड यूरोप। तो यूरोप जो है वो इसका पार्ट नहीं था, गोंडवाना लैंड का पार्ट था इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड अंटार्कटिका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक डिविजन ऑफ इंडिया वॉज फॉर्म्ड आउट ऑफ एकोमोलेशन इन द जियोसिंक्लाइन नोन एज टेथिस। जब इंडियन इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरोशियन प्लेट से टकराई थी उस वक्त क्या हुआ था, सेडिमेंटरी रॉक्स जो है वो एकोमुलेट हुई थी जियोसिंक्लाइन में, मतलब टेथिस सी में। तो उस वक्त जो है क्या फॉर्म हुआ था, क्या बना था? ऑप्शन है हिमालयस, नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुला प्लेट्यू, इंडियन डेजर्ट। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज हिमालयस। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग आर यंग ओल्ड माउंटेन्स। कौन से जो है यंग ओल्ड माउंटेन्स है ये मैं बार बार बता चुकी हूँ। ऑप्शन है अरावली, नीलगिरी, हिमालयस एंड सह्याद्री। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज हिमालयस। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12, द हिमालयस कंसिस्ट ऑफ थ्री पैरेलल रेंजेस इन इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ नॉर्दर्न मोस्ट रेंज। हिमालयस जो है हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया है कि हिमालयस जो है तीन पैरेलल, वेस्ट टू ईस्ट जो है वो तीन पैरेलल रेंजेस में जाता है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ठीक है। तो इस तरह से तीन पैरेलल रेंजेस में जो है हिमालय वेस्ट टू ईस्ट जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल जो नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है उसको किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस है द हिमाद्री, द हिमाचल, द शिवालिक्स एंड द पूर्वांचल। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, हिमाद्री। इनको हिमाद्री भी कहा जाता है या ग्रेटर हिमालयस भी कहा जाता है। और जो बीच वाली लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है या रेंज है उसको हिमाचल के नाम से जाना जाता है, और जो बिल्कुल आउटर हिमाचल है, बिल्कुल बाहर वाली जो रेंज है उसको आउटर हिमालयस या फिर शिवालिक के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक इन इंडिया। अब यहाँ पे इंडिया की बात हो रही है, इंडिया की हाईएस्ट पीक कौन सी है? ऑप्शन है माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंगा पर्वत या फिर नंदा देवी। ऑप्शन सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है वो इंडिया की हाईएस्ट पीक है, माउंट एवरेस्ट जो है वो वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है और कंचनजंगा जो है वो इंडिया की हाईएस्ट पीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माउंटेन पासेस लाई इन द ग्रेट हिमालयस। कौन से माउंटेन पासेस जो है वो ग्रेट हिमालयस में लाई करते हैं? ऑप्शन है हमारे पास कराकोरम, शिपकिला, नथुला एंड ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, ये सारे ही पासेस जो है वो
हिमालयन, ग्रेट हिमालयस, ग्रेट हिमालयस में लाई करते हैं, मतलब जो सबसे ऊपर वाली रेंज है हिमालयस की उसमें लाई करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया द हाइएस्ट पीक इज लोकेटेड। हाइएस्ट पीक अभी हमने डिस्कस किया कौन सी है, कंचनजंगा जो है हाइएस्ट पीक है, तो ये कौन सी स्टेट में है, ये जो सबसे हाइएस्ट पीक है ये कौन सी स्टेट में है। ऑप्शन है सिक्किम, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश एंड असम। तो सही आंसर ऑप्शन ए दैट इज सिक्किम, जो कंचनजंगा है वो सिक्किम में पाई जाती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16, द लॉन्गिट्यूडनल वैलीज लाइंग बिटवीन लेसर हिमालयस एंड शिवालिक आर नोन एज। तो अभी हम इसको दोबारा से थोड़ा सा अगर समझ लें, आप पिछली वीडियो जरूर देखें क्योंकि उसमें हमने हर एक चीज जो है वो डिटेल में डिस्कस की हुई है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है, हमें पता है हिमालयस जो है वो वेस्ट टू ईस्ट जो है वो इस तरह से आर्क बनाते हैं, इस तरह से पैरेलल रेंजेस में लाई करते हैं, ठीक है। तो सबसे ऊपर वाले जो है उनको ग्रेटर हिमालयस या इनर हिमालयस कहा जाता है, बीच वाले जो है उनको हिमाचल कहा जाता है, और जो लास्ट जो थर्ड वन है उनको शिवालिक कहा जाता है। तो जो सेंटर वाले हैं उनको हिमाचल या लेसर हिमालयस कहा जाता है, और जो लास्ट वन है उनको आउटर या फिर शिवालिक कहा जाता है। तो इनके बीच की जो लॉन्गिट्यूडनल वैलीज हैं उनको क्या कहा जाता है, क्वेश्चन है यहाँ पे कि जो लॉन्गिट्यूडनल वैलीज हैं जो कि लेसर हिमालयस और शिवालिक के बीच में पड़ती हैं उनको किस नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन जो है दो तीन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आ चुका है। ऑप्शन है कांगड़ा वैली, पटकाई दून, पासिस या दून। तो ऑप्शन है सही आंसर है दून, ठीक है, इसका सही आंसर है दून। जैसे हो गया हमारे पास कोटली दून, पाटली दून और देहरादून, ये सारी जो है दून्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब ये जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे 17, 18, 19, ये तीनों ही क्वेश्चन एक जैसे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इनको बिल्कुल ध्यान से करेंगे। फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट द डिवीजन ऑफ हिमालयस आर डेमार्केटेड बाय रिवर वैलीज, द पार्ट ऑफ हिमालयस लाइंग बिटवीन इंडस एंड सतलुज रिवर इज नोन एज। अब हमारे पास ये है हिमालयस, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट जो है वो हिमालयस है, ठीक है। तो अब हम इनको वेस्ट टू ईस्ट जो है वो रिवर्स के हिसाब से भी डिवाइड करेंगे, ठीक है। इनको इस तरह से रिवर के हिसाब से भी चार पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। यहाँ पे है इंडस रिवर, ठीक है, जो बिल्कुल इसकी वेस्ट बाउंड्री बनाती है, और लास्ट में आती है यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा की एक ट्राइब्यूटरी है दिहंग रिवर, ठीक है, जो इसकी ईस्ट बाउंड्री बनाती है। तो इनके जो पार्ट्स हैं बीच में उनको जो है अलग अलग नाम दिया गया है। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है कि जो इंडस और सतलुज के बीच का हिमालयस है उनको किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे इंडस है और यहाँ पे सतलुज है, ठीक है, ये बिल्कुल हम वेस्ट से शुरू कर रहे हैं। ऑप्शन है पंजाब हिमालयस, कुमायूं हिमालयस, नेपाल हिमालयस या फिर असम हिमालयस। तो बिल्कुल जो इंडस और सतलुज के बीच में पड़ते हैं उनको पंजाब हिमालयस के नाम से जानते हैं, या इनको जम्मू कश्मीर या फिर हिमाचल के नाम, हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, पर यहाँ पे पूछा गया है सतलुज और काली के बीच, सतलुज रिवर और काली रिवर के बीच जो हिमालयस आते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है। अब ये था इंडस और सतलुज, यहाँ पे सतलुज और यहाँ पे आती है काली रिवर, ठीक है। सतलुज और काली रिवर के बीच के जो हिमालयस हैं उनको किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सेम है हमारे पास, पंजाब, कुमायूं, नेपाल और असम हिमालयस। तो यहाँ पे जो है सतलुज और काली रिवर के बीच के जो हिमालयस हैं उनको कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंडस और सतलुज के बीच आते हैं पंजाब हिमालयस, सतलुज और काली रिवर के बीच में आते हैं कुमायूं हिमालयस। और क्वेश्चन नंबर 19 है कि काली और तीस्ता रिवर के बीच जो हिमालयस आते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है। तो काली और तीस्ता रिवर जो है उनके बीच जो हिमालयस आते हैं उनको नेपाल हिमालयस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और लास्ट है तीस्ता और दिहंग रिवर्स, ये क्वेश्चन मैंने मेंशन नहीं किया है क्योंकि एक क्वेश्चन तो हम वैसे भी याद रख सकते हैं। तो तीस्ता और दिहंग जो है उसके बीच के जो हिमालयस है उनको असम हिमालयस के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे चार क्वेश्चन बन रहे हैं। इंडस और सतलुज के बीच के जो हिमालयस हैं उनको पंजाब हिमालयस के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, सतलुज और काली रिवर के बीच के जो हिमालयस हैं उनको कुमायूं हिमालयस के नाम से जाना जाता है। काली और तीस्ता के बीच के जो हिमालयस हैं उनको नेपाल हिमालयस। और लास्ट है तीस्ता और दिहंग रिवर जो है उनके बीच के जो हिमालयस हैं उनको असम हिमालयस के नाम से जाना जाता है। तो आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया है। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो आप पिछली वीडियो जरूर देखें, जो इसके रिलेटेड वीडियो है, समरी जो है इस चैप्टर की, उसमें मैप के थ्रू बहुत अच्छे से इसको समझाया गया है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20, अ नैरो गैप इन अ माउंटेन रेंज प्रोवाइडिंग एक्सेस टू अदर साइड्स इज कॉल्ड।
माउंटेन रेंज में एक छोटा सा नैरो गैप होता है जो दूसरी साइड को एक तरह से रास्ता बनाता है, उसको क्या कहते हैं, माउंट पास, स्ट्रेट और वैली, इसको कहते हैं पास। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21। माउंटेन रेंजेस इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया फॉर्मिंग इट्स बाउंड्री विद म्यांमार आर कलेक्टिवली कॉल्ड। जो ईस्टर्न पार्ट है, उत्तरी सॉरी पूर्वी भाग जो है भारत का, वहां पे जो माउंटेन रेंजेस म्यांमार के साथ जो है बाउंड्री बनाते हैं, उनको क्या कहा जाता है? ऑप्शन है हिमाचल, पूर्वांचल, उत्तराखंड एंड नन ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज पूर्वांचल। ठीक है, पूर्वांचल। और ये कौन कौन सी स्टेट्स जो है उनमें लाई करते हैं? तो ये है अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, जो भी हमारे पास उत्तरी सॉरी पूर्वी जो स्टेट राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा और मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और थोड़ा सा असम का पार्ट होता है, असम जो कि ईस्टर्न असम, जो ईस्टर्न असम है उसका जो पार्ट है थोड़ा सा, वहां पे ये सारी जो माउंटेन रेंजेस है वो लाई करती हैं, जो कि म्यांमार के साथ बाउंड्री बनाती हैं, इनको पूर्वांचल कहा जाता है। कौन कौन सी माउंटेन रेंजेस है पूर्वांचल में? तो वो है मिजो हिल्स, मणिपुर हिल्स, मिजो हिल्स, नागा हिल्स और पटकाई हिल्स। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22। द हाईएस्ट पीक इन ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट कहाँ है? हमें अगर हम नीचे से साउथ में इंडिया का मैप बनाए इस तरह से है, तो इस तरह आते हैं, ईस्ट की तरफ आते हैं ईस्टर्न घाट और वेस्ट की तरफ आते हैं वेस्टर्न घाट। तो ईस्टर्न घाट जो है वहां की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? ऑप्शन है अनाईमुड़ी, महेंद्रागिरी, कंचनजंगा एंड खासी। तो सही आंसर है ऑप्शन सॉरी यहाँ पे बी होना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन बी दैट इज महेंद्रागिरी। महेंद्रागिरी इज द हाईएस्ट पीक इन ईस्टर्न घाट। और वेस्टर्न घाट की कौन सी है? अनाईमुड़ी। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इनहैबिटेड रिवर राइन आइलैंड इन द वर्ल्ड। ओके, क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे बड़ा रिवर राइन आइलैंड, जो रिवर राइन आइलैंड होता है जो कि एक नदी के बीच में आइलैंड हो, हम यहाँ पे सी या ओशन की बात नहीं कर रहे हैं, रिवर की बात कर रहे हैं, और इनहैबिटेड हो, इनहैबिटेड वहां जहाँ के जहाँ पे लोग रहते हो। तो दुनिया का सबसे बड़ा रिवर राइन इनहैबिटेड आइलैंड जो है वो कहाँ पे है? ऑप्शन है मजूली इन ब्रह्मपुत्र रिवर, दूसरा है शिला इन गंगा रिवर, तीसरा है शिपका इन सतलुज रिवर एंड द लास्ट इज नन ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, मजूली। मजूली जो है एक रिवर राइन आइलैंड है, मतलब जो कि एक रिवर में पड़ता है, कौन सी? ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो हमें पता है तिब्बत से आती है और अरुणाचल प्रदेश, हमारे भारत में वो अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है और असम में सबसे बड़े वो असम जिसको प्लेन्स जो है वो बनाती है। ठीक है, तो असम से होती हुई वो बांग्लादेश में चली जाती है। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र रिवर जो है गंगा रिवर के साथ मिलके दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है जिसको सुंदरबन डेल्टा भी कहते हैं। तो जो मजूली है, मजूली जो है दुनिया का सबसे बड़ा रिवर राइन इनहैबिटेड आइलैंड है। ठीक है, और 2016 में ये सबसे पहला आइलैंड बना जिसको कि एक डिस्ट्रिक्ट बनाया गया इंडिया में। तो मजूली एक और क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि कौन सा सबसे पहला आइलैंड जो है जिसको डिस्ट्रिक्ट बनाया, सबसे पहला कौन सा रिवर राइन आइलैंड है जिसको इंडिया में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया? तो वही मजूली है, 2016 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था और ये दुनिया का सबसे बड़ा इनहैबिटेड रिवर राइन आइलैंड है। इनहैबिटेड मतलब जहाँ पे लोग रहते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया। कौन सी सबसे बड़ी सॉल्ट वाटर लेक है इंडिया की? ऑप्शन है मजूली, चिलिका, शिला एंड शिपिका। तो ऑप्शन बी जो है वो सही है, चिलिका जो है इट इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया जो कि उड़ीसा में पड़ती है। ठीक है, जो महानदी रिवर है वो जो डेल्टा बनाती है उसके बिल्कुल साथ साउथ की तरफ जो है चिलिका, चिलिका जो लेक है वो पड़ती है, इट इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली लार्ज रिवर इन इंडियन डिजर्ट लाइज इन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ अरावली हिल्स। कौन सी, अगर हम यहाँ पे इंडियन डिजर्ट की बात कर रहे हैं, इंडियन डिजर्ट हमें पता है, नाम से ही पता चल रहा है, जहाँ बारिश नहीं होती, यहाँ लगभग 150 मिलीलीटर से भी कम बारिश होती है एक साल की। तो यहाँ पे जो रिवर्स हैं वो रेनी सीजन के बाद एकदम से सूख जाती हैं क्योंकि पानी नहीं होता। तो इंडियन डिजर्ट की सबसे बड़ी जो है, इकलौती सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन से नर्मदा, तापी, काली और लूनी। तो सही आंसर है ऑप्शन डी दैट इज लूनी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 26। इंडियाज ओनली एक्टिव वॉल्केनो इज फाउंड ऑन बैरन आइलैंड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड। किस आइलैंड के छोटे से
बैरन आइलैंड में इंडिया का इकलौता एक्टिव वॉल्केनो जो है वो पाया जाता है। ऑप्शन है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ऑप्शन बी इज लक्षद्वीप आइलैंड, ऑप्शन सी इज लैकाडाइव एंड मिनिकॉय आइलैंड एंड द लास्ट वन इज अमीनडाइव आइलैंड। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज अंडमान और निकोबार। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द नेम ऑफ लैकाडाइव मिनिकॉय एंड अमीनडाइव आइलैंड्स वाज चेंज्ड टू लक्षद्वीप। एक्चुअली क्या था, लक्षद्वीप जो है उसके उसका जो पहले नाम था उनको, जो लक्षद्वीप आइलैंड है उनको पहले लैकाडाइव, मिनिकॉय और अमीनडाइव के नाम से जाना जाता था, तो इनका नाम जो है बाद में चेंज करके लक्षद्वीप रखा गया। तो कौन से ईयर में जो है इनका नाम चेंज करके लक्षद्वीप रखा गया, ऑप्शंस हैं 1980, 1983, 1973 एंड 1970। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज 1973 में इन आइलैंड्स का नाम लैकाडाइव, मिनिकॉय और अमीनडाइव से बदलकर लक्षद्वीप रखा गया। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ऑफ लक्षद्वीप। कौन सा जो है लक्षद्वीप का एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है, या एक तरह से कैपिटल भी बोल सकते हैं। ऑप्शन है अमीनडाइव, मिनिकॉय, कवरत्ती एंड लैकाडाइव। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज कवरत्ती। कवरत्ती आइलैंड इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ऑफ लक्षद्वीप। नेक्स्ट इज, और यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है, जो लक्षद्वीप आइलैंड है इनको कोरल आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। कौन सी सेकंड हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड की, ऑप्शंस है कंचनजंगा, नंदा देवी, कराकोरम एंड कामेट। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज कराकोरम। सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है, सबसे ऊंची जो है माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आती है कराकोरम, जिसको केटू के नाम से भी जाना जाता है, और तीसरे नंबर पे आती है कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है वर्ल्ड की थर्ड हाईएस्ट है और इंडिया की हाईएस्ट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंचनजंगा इंडिया की हाईएस्ट पीक है और कंचनजंगा ही वर्ल्ड की थर्ड हाईएस्ट है, और पहली हाईएस्ट जो वर्ल्ड की है दैट इज माउंट एवरेस्ट, और दूसरी जो वर्ल्ड की हाईएस्ट है वो है कराकोरम, जिसको केटू कहते हैं, ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में पड़ती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन अ फैक्टर इन द क्रिएशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ इंडिया रिलीफ फीचर। जो भी इंडिया के रिलीफ फीचर हैं, जैसे कहीं माउंटेन है, प्लेन है, प्लेटू है, डेकन प्लेटू है, या कोस्टल एरियाज हैं, ये सारे अलग अलग फीचर हैं, कहीं पहाड़ हैं, कहीं प्लेन है, तो ये सारे जो फीचर्स हैं, क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से, हमारे पास जो ऑप्शन दी हुई है हमें बताना है कि कौन सा फैक्टर जो है ये हमारे इंडिया के रिलीफ फीचर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ऑप्शन है जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, पॉपुलेशन डेंसिटी, वेदरिंग एंड इरोजन एंड डिपोजिशन। तो इसका सीधा सा आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज पॉपुलेशन डेंसिटी का इंडिया के रिलीफ स्ट्रक्चर से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 31, द वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप साउथ ऑफ गोवा इज रेफर्ड टू एज। ओके, ये क्वेश्चन भी है, इसको भी समझने के लिए आपको पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी जो समरी है, क्योंकि इसमें बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। जो वेस्टर्न कोस्टल रीजन है, कि हमारे पास ये जो है ये वेस्टर्न घाट है, ये ईस्टर्न घाट है, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट में यहाँ पे मुंबई और गोवा के बीच जो कोस्टल स्ट्रेच है उसको उसको कोंकण के नाम से जानते हैं, ठीक है। और तो क्वेश्चन पूछा गया है कि गोवा से साउथ में आए, मतलब जो सेंटर का स्ट्रेच है उसको किस नाम से जानते हैं, तो उसको जो है वो कन्नड़ के नाम से जानते हैं, और जो लास्ट आता है उसको मलाबार कोस्ट के नाम से जानते हैं। तो जो वेस्टर्न कोस्ट है, मैं एक बार फिर से बता दूं, जो वेस्टर्न कोस्ट है, ठीक है, उसमें तीन स्ट्रेचेस बने हुए हैं, एक है हमारे पास कोंकण, दूसरा है हमारे पास कन्नड़ और तीसरा है मलाबार। तो सबसे ऊपर जो कोंकण आता है वो मुंबई और गोवा के बीच में आता है, और गोवा के साउथ में, मतलब जो सेंटर का स्ट्रेच है उसको कन्नड़ कहा जाता है, और जो लास्ट है बिल्कुल साउथ में उसको मलाबार कोस्ट कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा गया है, द वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप साउथ ऑफ गोवा, गोवा के साउथ में कौन सा कोस्टल पड़ता है, तो उसको कहा जाता है कन्नड़ कोस्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग टू हिल्स आर लोकेटेड इन द साउथ ईस्ट ऑफ ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट के साउथ ईस्ट में कौन सी दो हिल्स पाई जाती हैं, ऑप्शंस हैं मीजो हिल्स एंड नागा हिल्स, जावादी हिल्स एंड शिवरॉय हिल्स, पटकाई हिल्स एंड मणिपुरी हिल्स एंड मीजो हिल्स एंड पटकाई हिल्स। तो सही आंसर ऑप्शन बी, दैट इज जावादी हिल्स एंड शिवरॉय हिल्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 33, विच आइलैंड्स ऑफ इंडिया आर कॉल्ड कोरल आइलैंड्स। ये हमने अभी भी डिस्कस किया पीछे, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर ऑप्शन ए, दैट इज लक्षद्वीप।
लक्षद्वीप जो है इनको कोरल आइलैंड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक इन वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? ऑप्शन है अनाईमुड़ी, महेंद्रगिरी, कंचनजंगा एंड खासी। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी जो है वो वेस्टर्न घाट्स की सबसे ऊंची चोटी है और महेंद्रगिरी जो है वो ईस्टर्न घाट्स की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 35 एंड द लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फेमस हिल स्टेशन ऑफ उद्गम मंडलम। उद्गम मंडलम का कौन सा फेमस एक हिल स्टेशन है? ऑप्शन है ऊटी, कोडाईकनाल, सी बोथ ए एंड बी एंड द लास्ट इज नन ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, ऊटी और कोडाईकनाल दोनों ही उद्गम मंडलम के हिल स्टेशन है। तो गाइस ये थे 35 क्वेश्चंस। आई होप ये क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल होंगे और इस ये जो चैप्टर है इसकी समरी भी हमने पिछली वीडियो में करी है। तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको सिर्फ क्वेश्चंस की ही वीडियोस चाहिए या फिर आपको समरी की भी वीडियोस चाहिए, क्योंकि उसी हिसाब से जो है मैं वीडियो लेके आऊंगी। अगर आपको क्वेश्चंस ही चाहिए तो हम सिर्फ क्वेश्चंस ही डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स प्लीज प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज को शेयर कीजिए, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलती है और अच्छा काम करने की। तो थैंक यू सो मच, आप वीडियोज देखते रहिए। थैंक यू सो मच, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।